जी है दोस्तों, लोटस वर्ड ग्लो फेशियल किट बहुत ही बढ़िया फेशियल किट है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इसका करने का पूरा तरीका, फुल डेमो। दोस्तों आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम आपको बताएंगे इस वीडियो किट में, इस वीडियो में फेशियल किट करने का बेहतरीन तरीका, जी लोटस वर्ड ग्लो फेशियल किट कैसे किया जाए। दोस्तों इसमें 5 आइटम होते हैं, 5ों को बारी बारी लगाना होता है। पहले नंबर पर क्लिंजिंग है, स्क्रब है, मसाज क्रीम है, जेल है। 5वें नंबर पर फेस पैक है। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप, और आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चेहरे पर कोई भी क्रीम लगाने से पहले हम इस तरीके से पानी मार करके चेहरे को पोंछ देंगे, साफ कर देंगे। इस तरीके से दोबारा पानी मार दे रहे हैं हम चेहरे पर बढ़िया से। इसके ऊपर से हम लगाएंगे फर्स्ट स्टेप जो कि क्लिंजिंग है, पहले नंबर पे। ये दोस्तों नंबर एक। इस तरीके से निकाल करके थोड़ा सा पूरे फेस पे अप्लाई कर देना है। इस तरीके से पूरे चेहरे पे लगा देंगे हम बढ़िया से। उसके ऊपर से डाल देंगे गुलाब जल थोड़ा सा। ये हमने दोस्तों डाबर का गुलाब जल लिया है, डाबर गुलाबरी। इस तरीके से हमें मसाज करना है पूरे चेहरे पर कम से कम 3 से 4 मिनट तक का, 3 से 4 मिनट तक का क्लिंजिंग लगा करके इस तरीके से साफ कर लेना है बढ़िया से पूरे चेहरे को। चेहरे पर जो गर्दा मिट्टी, जो डस्ट जमी होती है, इस तरीके से बढ़िया से मसाज करके उसको साफ करना है। दोस्तों इस जानकारी के लिए, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो का पूरा देखिएगा। 3 से 4 मिनट मसाज करने के बाद में हम इसको पोंछ देंगे, बढ़िया से साफ कर देंगे। चेहरे पर जो भी डस्ट जमा होती है, जो गर्दा मिट्टी होता है, धूल जमी होती है, पूरा साफ हो जाता है। ये साफ करने के बाद में अब हम इनके चेहरे पर लगाएंगे स्टेप 2 जो कि दूसरे नंबर पर दिया हुआ है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं, यह है दोस्तों स्क्रब दूसरे नंबर पर दिया हुआ है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस फेशियल किट से चेहरे को कैसे चमकाया जाए, एक अच्छा निखार देने के लिए इसमें और क्या मिला सकते हैं, कैसे इस फेशियल किट को एक बेहतरीन अच्छा बना सकते हैं, चेहरे पर ग्लो कैसे लाया जाए। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और चैनल को मैं सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है तो प्लीज़ चैनल को मैं सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो दोस्तों स्क्रब के बाद हम लगा देंगे इस पर गुलाब जल, डबर गुलाबरी। इस तरीके से हमें कम से कम 5 से 7 मिनट तक का मसाज करना है स्क्रब लगा करके। दोस्तों जितने अच्छा आप स्क्रब कर ले जाएंगे, जितने अच्छा स्क्रब से आप मसाज करेंगे चेहरे का, उतने अच्छा चेहरे पर निखार आता है, उतने अच्छा चेहरा खिलेगा। चेहरे पर एक अच्छा निखार देने के लिए, एक अच्छा ग्लो देने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। जितने अच्छा आप मसाज करेंगे उतने अच्छा चेहरे पर निखार आएगा, उतना अच्छा चेहरा ग्लो करेगा। इस तरीके से हम पूरे चेहरे मसाज करेंगे बढ़िया से।
गले का इस तरीके से बढ़िया जो है घिस करके साफ कर देना है। गले में जो डस्ट जमी हो, जो धूल गर्दा जमी हो, साफ हो जाए। जितने अच्छा आप स्क्रब कर ले जाएंगे उतने अच्छा चेहरे का निखार आता है, उतने अच्छा चेहरा ग्लो करेगा। ये दोस्तों लोटस अप्रिकोट स्क्रब, इसी के ऊपर हम लगा दे रहे हैं। फेशियल किट में जो स्क्रब था उसको लगा करके हमने करीब 5 मिनट तक का मसाज किया था, उसी के ऊपर से हम ये स्क्रब लगा दिए हैं, लोटस अप्रिकोट स्क्रब। ये हमने अलग से लिया था, इसको लगा देने से और अच्छा हो जाता है चेहरे पर, और एक अच्छा निखार आ जाएगा। तो 5 मिनट मसाज करने के बाद में हम अब चलाएंगे मशीन इनके चेहरे पर। मशीन हमें इस तरीके से कम 7 मिनट तक या 10 मिनट तक का चलाना है। कम से कम 5 मिनट तो चलाएं, कम से कम 5 मिनट तो चलाना होता है। मशीन चलाने से चेहरे पर एक अच्छा निखार आता है, चेहरे पर जो क्या बोलते हैं आपका मांसपेशियों में जो ब्लड सर्कुलेशन रुका होता है वो सही हो जाता है। मशीन चलाने से चेहरे पर जो गड्ढे होते हैं केल महोत्सव के वो धीरे धीरे सही हो जाते हैं। तो मसाज करें या स्क्रब करें दोस्तों इस तरीके से आप मशीन पूरे चेहरे पर ज़रूर चलाएँ। मसाजर में ओवरेट से जो होता है चेहरे पर एक अच्छा निखार आता है, चेहरा ग्लो करता है। इस तरीके से हमें पूरे चेहरे चलाना है, गले में, मत्थे पर, कान के ऊपर, गाल पे, इस तरीके से हमें सब जगह चला देना है बढ़िया से। दोस्तों जितने अच्छा आप मसाज करेंगे उतने अच्छा चेहरे पर निखार आएगा। तो इस तरीके से कम 5 मिनट, 7 मिनट या 10 मिनट तक का मशीन चलाएं। दोस्तों 10 मिनट मशीन चलाने के बाद में हम हाथ से मसाज करेंगे इनके चेहरे का। ये दोस्तों आयुर मसाज क्रीम स्क्रब के ऊपर से हम लगा देंगे, बहुत अच्छा मसाज क्रीम है ये। इनके चेहरे पर जो स्क्रब लगा है इसी के ऊपर से हम लगा देंगे इसको, आयुर मसाज क्रीम। ये मसाज क्रीम इसके ऊपर से लगाने से वीडियो में एक अच्छी क्वालिटी आ जाती है, वो क्या नाम है आपका फेशियल किट में एक अच्छी क्वालिटी हो जाएगी, फेशियल और अच्छा हो जाएगा, चेहरे पर ग्लो आएगा। यह दोस्तों मसाज क्रीम जो कि फेशियल किट में था 3रे नंबर पे, इसी के ऊपर से हम लगा देंगे इसको। मसाज क्रीम लगाने के बाद में 5 से 7 मिनट तक का इस तरीके से बढ़िया से मसाज करना है। अगर आपके पास समय हो तो 10 से 15 मिनट आप मसाज करें। तो दोस्तों ये नंबर 3 मसाज क्रीम हम लगा देंगे इसके ऊपर से जो फेशियल किट में 3रे नंबर पे है।
इसके ऊपर हम डालेंगे गुलाब जल। गुलाब जल डाल करके हमें इस तरीके से 10 मिनट तक का मसाज करना है बढ़िया से। इस तरीके से पूरे चेहरे पर, मत्थे पर, गले में, सब जगह जितने अच्छा मसाज करेंगे उतने अच्छा चेहरे पर निखार आएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमको सपोर्ट मिलेगा, हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा आखिरी तक का। अभी हम आपको इसमें और अच्छे अच्छे टिप्स देंगे, एक अच्छी जानकारी देंगे, फेशियल किट करने का सही तरीका क्या है, सही फुल डेमो क्या है, चेहरे को एक बेहतरीन निखार देने के लिए हम इसमें क्या क्या मिला सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में क्लिंजर लगाया हमने, क्लिंजर लगा के करीब 2 से 3 मिनट तक का मसाज किया था। उसके बाद उसको धो करके हमने स्क्रब लगाया जो कि दूसरे नंबर पे था, इसको अब हम साफ करेंगे। इस तरीके से पूरा साफ कर देना है दोस्तों। दूसरे नंबर पे फेस स्क्रब था फेशियल किट में, वो स्क्रब लगा करके हमने करीब 5 से 7 मिनट तक का मसाज किया था। उसी के ऊपर हमने लगा दिया था लोटस का अप्रिकोट स्क्रब। लोटस अप्रिकोट लगाने के बाद में हमने करीब 10 मिनट तक का मसाज किया है इनके चेहरे का। उसके ऊपर हमने लगाया था आयुर मसाज क्रीम। आयुर मसाज क्रीम के ऊपर से हमने लगाया था इसमें जो तीसरे नंबर पे दिया था मसाज क्रीम, फेशियल किट का जो तीसरे नंबर पे है मसाज क्रीम लगा करके हमने करीब 15 मिनट तक का मसाज किया है इनके चेहरे का। अब हम इनके चेहरे को धुल करके आगे क्या करना वो हम बताएंगे आपको। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप आखिरी तक का देखिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनके चेहरे पर जितना भी मटेरियल लगा था स्क्रब और मसाज क्रीम सब हमने छुड़ा दिया है, पूरा साफ कर दिया है। चेहरा एकदम चमक गया है, बहुत अच्छा चेहरा पर निखार आया है, बहुत अच्छा फेशियल हुआ है। तो ये है दोस्तों 4 नंबर पे, नंबर 4 स्टेप, ये है जेल। चेहरे को बड़े से हमने धो लिया है, अब इसी के ऊपर से हमें लगा देंगे जेल। दोस्तों, ये 4 नंबर जेल होता है, पूरे चेहरे पे इसको लगाना है बढ़िया से। पूरे चेहरे पर लगा करके हम मसाज करेंगे इस तरीके से। पूरे चेहरे पर लगाना है बढ़िया से, पूरे चेहरे पे मसाज करेंगे कम से कम 5 मिनट तक का आप मसाज करें, 5 से 7 मिनट तक का जरूर। स्क्रब करने के बाद में ये जेल लगा करके 5 से 7 मिनट तक आप मसाज करेंगे, चेहरे पर एक अच्छा ग्लो आता है, चेहरे पर बेहतरीन निखार रहेगा इसको लगाने के बाद। जैसे कि हमने आपको बताया कि आप जितने अच्छा मसाज करेंगे, जितने अच्छा आपका हाथ चलेगा, उतने अच्छा चेहरे पर ग्लो आता है। एक अच्छे रिजल्ट के लिए दोस्तों थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। हमने करीब 5 मिनट तक कान का चेहरे मसाज किया है, जेल सूख गया है पूरा।
अब हम इसको धुलेंगे नहीं, इसी के ऊपर से हम लगाएंगे फेस पैक। ये दोस्तों पांचवें नंबर पर है स्टेप 5। ये है दोस्तों हमारे हाथ में टर्मरिक क्रीम। टर्मरिक क्रीम ये दोस्तों हल्दी चंदन से बना हुआ है। एक कटोरी में हम पेस्ट बना लेंगे, थोड़ा सा फेस पैक निकालेंगे और उसी में हम इसको मिला देंगे इस तरीके से। एक कटोरी में आप थोड़ा सा फेस पैक निकाल लीजिए और उसी में इसको मिला दीजिए टर्मरिक क्रीम। अगर आपके पास टर्मरिक क्रीम नहीं है तो आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं फेस पैक को। फेस पैक में अगर टर्मरिक क्रीम मिला देंगे तो एक अच्छा क्वालिटी हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, चेहरे के लिए अच्छा होता है। टर्मरिक क्रीम हल्दी चंदन से बना होता है तो दोस्तों स्किन के लिए अच्छा होता है। इस तरीके से पूरे चेहरे पर लगा दीजिए जैसे कि हम लगा रहे हैं दोस्तों। ब्रश से अगर लगाएंगे चेहरे पे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके से आप पूरे चेहरे पर ब्रश से जो है लगा दीजिए। आपके पास ब्रश नहीं है तो आप उंगली से लगा सकते हैं, पूरे चेहरे पर आप उंगली से लगा दीजिए। ब्रश है तो ज़्यादा अच्छा है, आप ब्रश से लगा दीजिए। इस तरीके से हमें फेस पैक पूरे चेहरे पर लगा देना है। लगाने के बाद इसको आप छोड़ दीजिए, 15 से 20 मिनट तक का आप सूखने का इंतज़ार करें। फेस पैक लगाने के बाद सूख जाए तभी उसको आप धुलिए। जब तक सूखता नहीं है, जब तक उसका रिजल्ट सही नहीं आता है। फेस पैक जब सूख जाता है तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है, चेहरे पर निखार आता है, ग्लो करता है चेहरा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने इनके पूरे चेहरे पर लगा दिया है, पूरा चेहरा पैक कर दिया है। इसको हम छोड़ देंगे सूखने के लिए, 15 से 20 मिनट तक इसको सुखाएंगे। देखिए इस तरीके से पूरे चेहरे को पैक कर देना है, कहीं भी जगह बाकी ना रहे, कहीं भी स्किन खुली ना रहे। पूरा चेहरा आपको ढक देना है। पूरे चेहरे पर लगाने के बाद में आप इसको छोड़ दीजिए सूखने के लिए। तो दोस्तों 20 मिनट हो गया लगाने, लगा करके 20 मिनट हो गया है, ये सूख गया है पूरा। अब हम इसको धुलेंगे। इस तरीके से पानी मार दीजिए पूरे चेहरे पर, हाथ से रगड़ दीजिए, पूरा साफ़ हो जाएगा। धोने के लिए कुछ खास मेहनत नहीं करनी है, 10 से 15 सेकंड में हो जाता है। तो दोस्तों हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। इतनी अच्छी हमने आपको जानकारी दी है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें दोस्तों। सब्सक्राइब करना तो बनता है, एक लाइक तो बनता ही है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को हमारे, सपोर्ट करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अभी हम धो करके दिखाएंगे आपको इनके चेहरे पर कितना अच्छा रिजल्ट आया है, कितना अच्छा चेहरा साफ हुआ है। इतना कुछ मटेरियल लगाने के बाद में इनके चेहरे पर कितना अच्छा निखार आया है, चेहरा कितना ग्लो कर रहा है, अभी हम आपको धो करके दिखाएंगे दोस्तों। देखिए बहुत ही अच्छा इनके चेहरे पर निखार आया है, बिल्कुल चमका दिया है हमने इनके चेहरे का। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को हमारे और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।